Yes, class. Today we will start units and dimension. Units and dimension. Second chapter of 11th standard. ठीक है. तो first of all we will take physical quantities. What is physical quantity? Physical quantities. बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. ठीक है ना. जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी की अपने दोस्त से कितनी फ्रेंडशिप है तो उसे मेजर करके बताओ. ठीक है, कल बताना कितनी कितनी किलोग्राम फ्रेंडशिप है. तो मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए क्या है, तो जो those physical quantities which can be measured are called physical quantities. है ना, जो physical quantities measure कर सकें वो, जो क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. एग्जांपल मास, एग्जांपल लेंथ, एग्जांपल टाइम. ठीक है, एग्जांपल फ्रेंडशिप. ठीक है, पता होनी चाहिए तुम्हारी किस फ्रेंड से कितनी किलोग्राम फ्रेंडशिप है, ये पता रखना है ना. नहीं फाइंड आउट कर सकते. ठीक है, तो फ्रेंडशिप इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटीज. टाइप्स देखते हैं. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितना टाइप है? टू टाइप्स की होती है बच्चों, है ना, टू टाइप्स की है. नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं. नंबर फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक है ना, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज. तो बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? विच आर नॉट यूजली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ other physical quantities. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर मास एग्जांपल दिया, तो मास किस में? किलोग्राम में. ठीक है, तो मास हमें पता है किलोग्राम में, दूसरी और कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसके ये ऊपर डिपेंड हो. जैसे कि मैंने वेलोसिटी बोल दिया, वेलोसिटी किस पे डिपेंड है? डिस्टेंस पे भी डिपेंड है, टाइम पे भी डिपेंड है, अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड है. ठीक है, तो ये बेसिक क्वांटिटी नहीं है. वेलोसिटी इज नॉट ए बेसिक क्वांटिटी. मास, टाइम किस में? सेकेंड में. ठीक है, और लेंथ किस में? मीटर में. तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं. ठीक है, और भी हो सकती हैं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, एम्पियर में, और भी हम देख सकते हैं, टेम्परेचर, केल्विन में, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. इसको हम डिफाइन करेंगे बाद में, क्योंकि मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या है, और मोल ऑफ सबस्टांस. ये कैंडेला में, टेम्परेचर केल्विन में, और मोल ऑफ सबस्टांस मोल में. इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में मैं, है ना. तो ये सब, ऑल दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों. नंबर सेकंड है ड्राइव यूनिट्स या ड्राइव क्वांटिटीज. ठीक है, ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी हैं? विच
कैन बी डराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ती हो, जिसमें बेसिक क्वांटिटीज आर कोल्ड ड्राइव यूनिट्स। ये लिख दिया बच्चों ने, ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वो, ठीक है, क्लियर है बच्चों। ये इसमें तो ये सिंगल एक के ऊपर डिपेंड होती हैं, जो इनकी यूनिट है जिसमें उसको मेजर करते हैं ये। ड्राइव यूनिट में एग्जांपल मैं इसके दे देता हूँ, एग्जांपल वेलोसिटी ले लिया। वेलोसिटी किस पे है? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस पे भी डिपेंड है, टाइम पे भी डिपेंड है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, बेसिक क्वांटिटीज़ पे डिपेंड है। क्योंकि जैसे मैंने लिखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में मेज़र करते हैं? लेंथ में। तो बार बार हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? बेसिक यूनिट की। तो डिस्टेंस मीटर में, और यहाँ पर टाइम है, टाइम किस में? टाइम फिर हमें बेसिक यूनिट की हेल्प लेनी पड़ रही है। उससे पूछेंगे भैया टाइम किस में हमें लिखना है, वो कहेगा टाइम सेकंड में, जब जाके हम इसको ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है। अब तुमने कहा सर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या है देखते हैं। एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी किस में? वेलोसिटी अभी हमने यूनिट निकाली थी, मीटर पर सेकंड लिख दिया हमने, और टाइम बचा यहाँ पर टाइम सेकंड में, फिर हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ रही है। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो आ ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। ऐसे ही फोर्स है, फोर्स भी किस में? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किस से? मास की बताएगा, मास किस में? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन अभी हमने इसकी हेल्प ली थी। तो ये सब ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, जो किसी दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती हैं, क्लियर है। अब हम देखते हैं बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा, यस। अब देखेंगे हम यहाँ पर, हमारी बेसिक यूनिट थी, बेसिक यूनिट्स हमारी, और यहाँ पर हम देखेंगे डायमेंशन, ठीक है। बेसिक यूनिट हमारी होती है m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम, ठीक है। ये मास है, l फॉर लेंथ है, टाइम फॉर m फॉर मास और t फॉर टाइम। अब हम ड्राइव यूनिट्स देखते हैं और फिर देखेंगे डायमेंशन, जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ड्राइव यूनिट के एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल ड्राइव यूनिट्स, सबसे पहले हमने लिखा वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में। अब लेंथ किस में मेज़र करेंगे? लेंथ मीटर में, टाइम सेकेंड में, मास किलोग्राम में। लेंथ के लिए फिर हमें इसके पास जाना पड़ेगा मीटर, ब्रेथ भी डिस्टेंस है, हाइट भी डिस्टेंस है, तो कितना आ गया? मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमने देख लिया। अब देखते हैं बच्चों स्पीड, यहाँ देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड किस में? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लिखा। और डिस्टेंस किस में? लेंथ है डिस्टेंस तो मीटर में, और टाइम किस में? सेकंड में, तो ये आ गया मीटर सेकंड माइनस वन, ठीक है। एक्सेलरेशन देख लेते हैं, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी किस में? फिर हमें लेनी पड़ेगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या आई थी? मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की लिख दी यहाँ पर। टाइम माने सेकंड लिख दिया, तो क्या आ गया? मीटर सेकंड माइनस टू, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं फोर्स। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किस में? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन अभी ये आई है यूनिट निकल के, एक्सेलरेशन को यहाँ रखेंगे मीटर सेकंड माइनस टू। तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है? बेसिक यूनिट की हेल्प लेनी पड़ती है बार बार। वर्क या एनर्जी, इसको भी देख लेते हैं। वर्क या एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट
ये आई है हमारे पास किलोग्राम, मीटर, सेकंड माइनस टू, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट माने ऑल्सो ए डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में, मीटर में, मीटर में। तो फोर्स की क्या आई, किलोग्राम एम मीटर स्क्वायर हो गया, सेकंड माइनस टू। ठीक है बच्चों, ये ऑल आर द ड्राइव यूनिट्स, लेकिन चैप्टर हमारा है डायमेंशन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है। डायमेंशन का सिंबल है बच्चों ये, और इसमें क्या आएगा, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, सॉरी l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम, और भी जो सेवन यूनिट्स थी वो भी इसमें आती हैं, लेकिन रेयर, अभी तो हम इनसे समझ लेते हैं ना। सपोज वो तुमसे कहता है कि यू हैव टू राइट वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन बतानी है, वॉल्यूम की डायमेंशन हमें बतानी है। वॉल्यूम किस में था, मीटर क्यूब में। ठीक है, यानी कि मीटर माने लेंथ, मीटर माने लेंथ है, यहाँ पर मास नहीं है, एम जीरो, एल, एल की, एल माने मीटर, मीटर की कितनी है, थ्री, टाइम सेकंड है यहाँ पर फॉर्मूले में नहीं है, तो टाइम भी जीरो। तो मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूँ फिर, एल की पावर थ्री। ठीक है, ये इसकी यूनिट हुई। अब उसने कहा कि भाई स्पीड, स्पीड की डायमेंशन हमें चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, मीटर सेकंड माइनस वन। अब मुझे डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशन का मतलब है एम फोर मीटर, मीटर माने लेंथ, सेकंड, सेकंड माने टाइम, टाइम की पावर माइनस वन, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब वो कहता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन उसे बताओ। एक्सेलरेशन किस में है, मीटर सेकंड माइनस टू है उसकी यूनिट, तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे, एम फोर मीटर, मीटर माने लेंथ, सेकंड की माइनस टू, टी माइनस टू। अब है फोर्स, ये रहा फोर्स किस में, फोर्स की देखेंगे, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू। अब डायमेंशन बच्चों किलोग्राम माने मास, यहाँ से है देखो, ये रहा किलोग्राम माने मास है ना, और मीटर माने लेंथ, और सेकंड माने टाइम, ये लिख दी इसकी डायमेंशन भी। अब वो कहता है वर्क या एनर्जी की बताओ मुझे, तो भाई वर्क या एनर्जी, वर्क ही क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो किलोग्राम माने मास, और एल स्क्वायर टी माइनस टू। इस तरह से हम डायमेंशन का, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ की डायमेंशन लिख सकते हैं। अगर कोई हमसे डायमेंशन फार्मूला होता क्या है, कोई डेफिनेशन पूछने लगे, डायमेंशनल फार्मूला है क्या, जिसमें बेसिक क्वांटिटी की, बेसिक क्वांटिटी को पावर के साथ लिखते हैं, वो डायमेंशनल फार्मूला है। या ऐसे डायमेंशन कर देते हैं, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज डायमेंशन, को ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक दो लाइन लिख देता हूँ बच्चों। अगर कोई हमसे पूछता है डायमेंशन क्या होता है, जिस डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन वो होती हैं जिसमें हम जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनकी पावर रेज्ड करके उसे लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन यहाँ दे देता हूँ मैं, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, आर द पावर्स या एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, उनकी पावर में लिखना है हमें, मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, ये बच्चों है ना, कंप्लीटली क्लियर है। ये है हमारा
डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन हम इस तरह से हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द डायमेंशन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास बुक है उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से उनकी यूनिट्स निकालें और डायमेंशन निकाल के उनको फाइंड आउट करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कुछ मैं फॉर्मूले दे देता हूँ, उनकी डायमेंशन निकाल के मुझे फॉरवर्ड करेंगे लेक्चर पढ़ने के बाद, ठीक है, जिससे मुझे लग जाए कि किस किस बच्चे ने पढ़ लिया है। जैसे कि मोमेंटम फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इसका मुझे बताएंगे, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पावर, पहले इजी लिखता हूँ, पावर पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, इसकी डायमेंशन मुझे बताएंगे, ठीक है। स्ट्रेस काफ़ी यूज होगा क्वेश्चन में, फोर्स अपॉन एरिया, इसकी मुझे बताएंगे, ठीक है। स्ट्रेन स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल, ये सेकंड बुक में पढ़ेंगे, ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन भी काफ़ी यूज़ होगा एप्लीकेशन में, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर, इसको भी याद रखेंगे। और कौन सा ज़्यादा यूज़ हो सकता है तुम्हारा इसमें, जब मैं न्यू वो कराऊंगा क्वेश्चन, एक इसका भी देख लें, फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम, इसकी भी मुझे बताएंगे, ठीक है। और डेंसिटी का बहुत यूज़ होगा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, मुझे इससे लग जाएगा कि किसने कितने बच्चे ने कितना पढ़ा है। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी वर्क अपॉन एरिया, इसकी डायमेंशन मुझे बताएंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको भी बता देता हूँ, ये भी सेकंड फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर टॉपिक का तुम्हें होमवर्क दूंगा जिससे मुझे लग जाएगा कि कौन कौन बच्चा सीरियस है कौन सा नहीं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ लिया, अच्छा फॉर्मूला इसका मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखें अभी से ही, सारे फॉर्मूले हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक। प्लैंक्स कांस्टेंट भी बहुत कॉमन है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको भी बहुत कॉमन फार्मूला है। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्लियर। चलिए और कोई इतना कॉमन फार्मूला भी नहीं है, अभी इनका मुझे करके बताएंगे, ठीक। और जो देखेंगे फिर मैं नेक्स्ट उस पर दूंगा लेक्चर में, ठीक है। और आज ही देखकर मुझे ये जो बच्चे इंटरेस्टिंग बच्चे हैं वो इसमें मुझे इसका व्हाट्सअप कर देंगे मुझे, ठीक है, यही तुम्हारा होमवर्क है। और कल से जूम क्लासेस भी लूँगा, मॉर्निंग में लेक्चर दूंगा ये वाला ऐसे रिकॉर्ड वाला, और इवनिंग में जूम क्लास लेंगे और उसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे या कोई भी प्रॉब्लम है।